एक बार फिर PSTV न्यूज के साथ मैं हूं इमान फातिमा। खबर है रियाज सऊदी अरब से। आवी शमून चांद की रिपोर्ट के मुताबिक दारुल हुकूमत रियाज में जमीयत उलमा इस्लाम की जानिब से सफीर पाकिस्तान लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड बिलाल अकबर के एजाज में शाया की तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें जमीयत के ओहदेदारान कारकुनान और मुख्तलिफ मकातिब फिक्र से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने शिरकत की। इशाया तकरीब से खिताब करते हुए मेहमान खसूसी सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर ने कहा कि पाकिस्तानी सऊदी अरब के साथ दीनी और रूहानी वाबस्तगी रखते हैं। सऊदी अरब के साथ गहरे दोस्ताना, बरादराना, मजहबी और तारीखी ताल्लुकात हैं जो दिन ब दिन मजबूत हो रहे हैं। जमीयत उलमा इस्लाम सऊदी अरब के मरकजी अमीर पीर अब्दुल मन्नान मक्की ने कहा कि सफीर पाकिस्तान बिलाल अकबर पाक सऊदी दोस्ती को मजीद मुस्तहकम और मजबूत बनाने में अपना भरपूर किरदार अदा करने के साथ साथ कम्युनिटी के मसाइल के हल के लिए जो इकदाम कर रहे हैं वो तारीख में रकम किए जाएंगे। तकरीब से कारी रफीउल्लाह, मौलाना अब्दुल हकीम, मौलाना अब्दुल मालिक मुजाहिद, हाफिज अब्दुल वहीद, कारी महबूबुल हक और देगर ने भी खिताब किया।